हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार दरोगा 2020 मेंस एग्जाम की डेट और आप लोगों का जो पेपर निकलेगा कैसे उस सेटिंग के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साइड में घंटी के निशान दिख रहा होगा उसको भी दबा देना, प्रेस कर देना। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ताकि आप टाइम से हर एक वीडियो को देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों प्लीज अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, बताता हूँ आपकी एग्जाम डेट क्या है और आपको क्या करना होगा कि आपका पेपर 100% निकल जाए। और स्पेशली कौन सा पेपर, हिंदी का, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो फिर सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर रूबरू कराने वाला हूँ उस नोटिस से, जिससे पता चल रहा है कि आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपका एग्जाम है कब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि आपके यहाँ पर क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, बट आप यहाँ पे रीड करेंगे जो कि जहाँ पर एग्जाम सेंटर आप लोगों के होंगे मेंस एग्जाम के, वहां पर जो सारे के सारे आप लोगों के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उन लोगों ने लगा भी लिए हैं। तो यहाँ पर बिहार पुलिस आवर सेवा आयोग का यहाँ पर कार्यालय, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सारा का सारा एड्रेस दिया है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट में कि आखिरकार आपका एग्जाम डेट क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एग्जाम डेट वगैरह यहाँ पे दिया है, जो कि पहले था वो कैंसिल करके अब आपका न्यू एग्जाम डेट क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे 23/8/2020। मतलब कि दोस्तों आपका अगस्त माह में एग्जाम कंडक्ट होगा। क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, सर हमारा एग्जाम डेट क्या है क्या है, प्लीज बताइए। दोस्तों आपको बता दें, अभी तक हमने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई थी और झूठा मूठा फ्रॉड का वीडियो हम बना के आपको नहीं बता सकते। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका ए बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल आपका 100% इस डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जान लिया कि आपका जो एग्जाम है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 23 तारीख को है। अब आपके पास टाइम बचता है कितना, तो दोस्तों आपको बता दें, आप यदि काउंट करेंगे तो आज 29 तारीख हो गई, मतलब नेक्स्ट मंथ को 29, एक मंथ और आपका फिर 23, तो समझिए 2 महीने से भी कम का टाइम है आपके पास। आपके पास 6 दिन कम ही शेष रह जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपके 2 महीने में। तो आपके पास कितना कम टाइम है। अब दोस्तों आपको इस टाइम का ऐसे यूज करना है, मतलब जरा सा भी आपको मिस यूज नहीं करना। कहने का मतलब, अब आपको टारगेट और फोकस होकर स्टडी करनी है, जैसे कि आपके पेपर 100% निकले। ऐसा कुछ भी नहीं करना कि आप अपने पेपर में यहाँ तक आपने आपका प्री क्वालिफाई किया और मेंस में क्वालिफाई ना हो सके। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको दोस्तों डेली, चाहे फिर वो आपका जीके वाला सेक्शन हो चाहे फिर वो आपका हिंदी वाला सेक्शन हो, आपको पर डे टारगेट बना ही लेना है कि आपको यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका कोई स्पेस सब्जेक्ट है जो कि आपका वीक है तो आप उसकी क्लासेस वगैरह भी लें, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हिंदी के करीबन करीबन डेली 50 से 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के लगाएं, और इतने ही क्वेश्चंस आप 50 से 100 के समथिंग समथिंग एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आप जीके के लगाइए। दोस्तों क्या होगा, आप वैकल्पिक क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका दोस्तों बहुत से क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे और आप इस टाइप से भी पढ़ रहे, लेकिन आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस सॉल्व जरूर करें, इससे बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आता है आपका रिजल्ट, आप देख लेना। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर पता चल गया है कि आपकी एग्जाम डेट क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पर बाकायदा बता दी है। अब दोस्तों बात है सेटिंग की, कि आपका पेपर 100% कैसे निकलेगा और वो भी फ्री सेटिंग, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ कहाँ पे, अगली स्लाइड में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर दोस्तों 1500 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन, वो की आपके हिंदी के। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के 1500 से अधिक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। जी दोस्तों, आप बिलीव मानिए, यदि आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो शायद ही आपका एक क्वेश्चंस भी बाहर जाए। अभी तक आपके जो जो क्वेश्चंस हिंदी से आए हैं, जो जो क्वेश्चंस आपके हिंदी में बनने की संभावना है,
बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपका यहाँ पर तैयार हो गया है। इसका बेहद अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं हमारी फैकल्टी के द्वारा। आप यदि इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो एक क्वेश्चंस भी आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बट आपको पूरी ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चंस को लगाना होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रति कितने सजग हैं, कितने जिम्मेदार हैं, कितने ईमानदार हैं, आप कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस डेली अटेंड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सर मेरे को इसका पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कराइए, मतलब कि पूरी पूरी जो ई बुक है वो प्रोवाइड कराइए, तो इसके लिए आपको नीचे लिंक प्रोवाइड की गई है। आपका मिनिमम अमाउंट रखा गया है, आप उसके द्वारा इसको अभी डायरेक्टली ले सकते हैं। वरना यदि आप पुअर हैं, मतलब कि आप 150 150 रुपये 120 रुपये के समथिंग भी देने के योग्य नहीं हैं, आपकी परिस्थिति वीक है, तो दोस्तों आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बाकायदा डेली एक लेक्चर लीजिए, उसमें करीबन करीबन हम पर डे आपके 25 25 क्वेश्चंस रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका पेपर आएगा तब तक आपका पूरा का पूरा यहाँ पर टेस्ट में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं 1500 के समथिंग क्वेश्चंस आप लोगों के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को लगाओ, बस एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं आएगा। बाई चांस एक दो क्वेश्चंस आ भी जाता है तो उससे मतलब नहीं, आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना है, ना कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा मेडल मिलने वाला है कि नहीं भाई आप यहाँ पे ज्यादा नंबर लाओगे तो आप बिल्कुल मेरिट में आ जाओगे। आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आप यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लगा, इससे आपका काम चल जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और हम जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्या आपको सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएं, क्योंकि डिमांड आ रही है आप लोग की बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस डेली अटेंड करें। और हाँ, लास्ट तक जैसे ही हम पहुंचेंगे तो पूरी की पूरी जितनी भी क्लासेस हमारी होंगी इन सभी का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर हम मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस जैसे वीकली टेस्ट लूंगा, वीकली टेस्ट में भी आपके यहाँ पर जितना हमने एक वीक में कवर किया है, मतलब जितने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हैं एक वीक में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वीकली भी मिल जाएंगे। बट जो है वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी और आप इकट्ठा क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो याद करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो अच्छा होगा कि आप पर डे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग आप जैसे भी टाइम सेट कराना चाहें अभी कमेंट कर देना कि सर आप रात्रि 8 बजे टेस्ट रखें लाइव, या फिर आप दिन में रात 8 बजे टेस्ट रखें लाइव एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस का। आप जैसे कहेंगे वैसे ही किया जाएगा, बट आपको डेली आना है, टाइम से आना है और सब लोगों को आना है। जी दोस्तों, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और वो भी फ्री में, तो आप इतना जरूर कर सकते हैं कि टाइम से आ सकते हैं, अपने आप के प्रति आप वफादार हो सकते हैं। बस यही बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन एक बात की तो गारंटी अभी दे देता हूं, यदि आप इन 1500 क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, यहाँ पर आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि मात्र एक कोई टॉपिक उठा लिया और उसी से क्वेश्चन बना दिए। आपके जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वर्णमाला हो, समास हो, छंदी हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, आपके अनुलोम विलोम शब्द हो, आपका विपरीतार्थी शब्द, आपके समानार्थी, आपके मुहावरे, कथन, ये हर एक चीज दोस्तों आपको यहाँ पर सब मिलेगा। लोकोक्तियां, हर एक टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप सिर्फ एक बार आइए, इसको अटेंड करिए और देखिए कि हाँ क्वेश्चंस का लेवल क्या है। आप जैसे ही क्वेश्चंस देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। यदि आप इस लेवल के क्वेश्चंस अटेंड करना सीख गए, यदि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लिए, तो दोस्तों विश्वास मानिए आपको यहाँ पर 100% श्योर हो जाइए कि आपका पेपर निकल जाएगा। हिंदी के पेपर की अब आप टेंशन छोड़ दीजिए, बस आपने ये वीडियो देख ली और जैसा मैंने बोला है उसको फॉलो करिए। विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, इससे बाहर आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक दो क्वेश्चन चला भी जाए बाई चांस तो आप पास तो 100% हो जाएंगे इतने क्वेश्चन में। और यदि आप भटकते रहे, यूट्यूब में भटकते रहे, पांच पांच दस दस क्वेश्चंस की वीडियो बना 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 के लोग आपको घंटों से दिखाएंगे, उनमें भटकते रहे, तो दोस्तों फिर आप समझ सकते हैं ना, तो आप उस चीज का रिवीजन कर पाएंगे। यदि आप 10 क्वेश्चंस को 1 घंटे आधे घंटे में देखेंगे, फिर आप उसका रिवीजन कैसे करेंगे जब बताइए। आपको रिवीजन भी चाहिए ना, तो इसके लिए आप बिल्कुल पूरी पूरी सलाह है कि इस कोर्स को, कहने का मतलब इन प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करें।
आपका बाकायदा रिवीजन भी कराया जाएगा, इसकी जवाबदारी मेरी है, और आपका बाकायदा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा हिंदी का, किस रूप में, एमसीक्यू के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो फ्रेंड्स बस यही बोलना चाहूंगा जो मैंने था बता दिया, तब तक ले लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।